भगवान कृष्ण से जुड़े पावन पर्व यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और जबलपुर के उपरेनगंज में स्थित इस ऐतिहासिक साव बाबा मंदिर में भी पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं कान्हा जी को बुलाने की। लगभग 200 साल पूर्व बने इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर गोकुल और मथुरा जैसा माहौल क्रिएट किया गया है। कृष्ण के घर गोकुल जैसा माहौल बनाने के लिए यहाँ पर गाय बछड़े और विभिन्न तरीके के ग्वाल बाल भी बनाए गए हैं, जिससे पूरा गोकुल और मथुरा जैसा आनंद भक्तों को मिल रहा है। श्री कृष्ण और राधा जी की मनमोहिनी प्रतिमा के अलावा भी एक और प्रतिमा यहाँ विराजमान कराई गई है और पंडित जी ने बताया है कि जन्माष्टमी के लगभग 10 से 20 दिन पहले यहाँ पर पालकी में झूले में कृष्ण और राधा जी का विशेष श्रृंगार करके उनका पूजन अर्चन किया जाता है। इस मंदिर के पुजारी जी का कहना था कि जब इस मंदिर का निर्माण कराया जा रहा था तब पूरे जबलपुर में जो इसका गुंबद था वो सबसे ऊंचा था। खास तौर पर जन्माष्टमी के दिन तो जबलपुर के साव बाबा मंदिर में पैर रखने तक की जगह नहीं होती। श्री कृष्ण और राधा जी के अलावा यहाँ पर विभिन्न देवी देवता जिनमें शंकर जी, गणेश जी और दुर्गा जी भी विराजित हैं, जिनकी पूजा पंडित जी स्वयं करते हैं। इस दरबार में एक अद्भुत आभा सी प्रतीत होती है जो कि पूरा माहौल कृष्णमय कर देती है। जय श्री कृष्ण। यह मंदिर जो कि भगवान श्री राधा कृष्ण जी को समर्पित है, इस मंदिर का नाम श्री ठाकुर आनंद विहारी महाराज मंदिर है, जो कि साव बाबा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर लगभग 200 वर्ष से अधिक प्राचीन है एवं सबसे खास बात इसकी यह है कि जब इसका निर्माण हुआ रहा तब इसकी जो गुम्बद रही तो वह मतलब इस क्षेत्र के जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों में सबसे ऊंचाई वाली जो गुम्बद कहलाती है वो इसी मंदिर की कहलाती रही। बनावट है इस मंदिर की वह बहुत ही मतलब कहा जाए तो बारीकी से और काफ़ी स्पष्ट ढंग से और काफ़ी मतलब रंगों को ज़्यादा संजोकर। क्या मथुरा जैसा एक माहौल या ब्रज गोकुल जैसा माहौल बनाने का प्रयास किया गया था क्या मंदिर को कृष्ण जी के लिए? तो मतलब कृष्ण जी का जो भी अपना वृंदावन पैटर्न है उसी ढंग से मतलब मंदिर का निर्माण हुआ है, बरामदा बना हुआ है और पूरे जो पिलर खम्भे इत्यादि जो भी बने हुए हैं सब पुराने आकार के हैं। और जन्माष्टमी के समय कैसा क्या मतलब रहा? जन्माष्टमी के समय की अगर बात की जाए तो यहाँ पर रात्रि 12 बजे भगवान का जन्म महोत्सव काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। उस समय मतलब पूरा मंदिर परिसर भीड़ से एकदम भक्तों की भीड़ से एकदम भरा हुआ रहता है। बाहर रोड और गलियारे में भी काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है और श्रृंगार वगैरह भी कुछ विशेष होता है। श्रृंगार वगैरह होती है, हफ्ते में श्रृंगार होता रहता है भगवान का, नई नई पोशाकें, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की कलर की अलग अलग ज्वेलरी आभूषण इत्यादि इसमें शामिल रहता है।